going to share a screen with you. ओके अटेंडेंस भी मार्क कर दो बच्चे. सो वी वर डीलिंग विद द रिलेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन. तो आई होप आपने पढ़ी होंगी प्रॉपर्टीज अच्छे से और आज आप क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करो. नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल्स वन वंस अगेन. तो जैसे कल हम कर रहे थे तो एग्जाम्पल वन के बाद हम अगली एग्जाम्पल पे चलते हैं. लेट्स डू इट फॉर द एग्जाम्पल थ्री. एग्जाम्पल थ्री पे जाते हैं हम, पेज नंबर 132. तो क्वेश्चन है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो मतलब आर एक रिलेशन है जो कि नेचुरल नंबर्स पर डिफाइंड है और आर गिवन दिया हुआ है आपको यहाँ पर. की वैल्यू है एक्स कॉमा वाई. एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x plus y equal to 4. इज इट ओके? तो ये आपका रिलेशन है. उसने पूछा है इसकी डोमेन फाइंड आउट करो, इसकी रेंज फाइंड आउट करो. आल्सो वेरीफाई दैट वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. तो पहले तो आपको डोमेन रेंज फाइंड आउट करनी है और साथ साथ ऑब्वियसली आपको पता करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है. ठीक है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी पड़ेगी जिसमें ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे आपको. ठीक है, तो एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर से आएंगे, मतलब पॉजिटिव नंबर होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम वन, और ये वाली इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करने वाले हो. तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो क्या पुट करना चाहिए, x पुट करना चाहिए या वाई? हाँ, जो चीज के साथ कोफिशियंट नहीं दिया हुआ है ना उसको फाइंड करना बेटर रहता है. तो जिसके साथ कोफिशियंट दिया होता है उसको पुट करना बेटर रहता है. तो हम x को पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1. तो अब हमारे पास क्या आएगा, y आ जाएगा. y की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल के आएगी 2. ठीक है, तो एक पेयर आपका हो गया 1, 2. फिर आप x को 2 पुट करो, 4 प्लस 2. तो यहाँ पर आपका y 0 आ जाता है जो कि बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर को. तो इट मीन्स इट्स क्वाइट एविडेंट कि सिर्फ यही आपका एक पेयर बनकर आ सकता है. ठीक है, वो एक्चुअली इट्स 41 नॉट 4. चलो हम इस क्वेश्चन को ही लेकर चलते हैं, 41 वाला क्वेश्चन भी करेंगे साथ में. फिलहाल आप ये मान के चलो कि इज इट ओके. तो सफाई देखो और कोई बच्चे का म्यूट कर लो जिनके पीछे आवाज आ रही है. नाउ ऑब्वियसली एक ही पेयर ऑर्डर्ड पेयर निकल के आ रहा है 1, 2. तो बताओ ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, इज इट रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव है? नो. क्यों? क्योंकि सॉरी, 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर. ठीक है, ओके. बस एक रीजन काफी होता है, मतलब कि बहुत सारे ऑब्वियसली 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है, बट एक एक भी रीजन आपके पास हो तो काफी है. एक ही रीजन देना है. ठीक है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक है? नो सर, नो. वाई? सर 2, 1 बिल्कुल, वन टू कॉमा कॉमा टू है,
टू कॉमा वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयर फोर आर इज नॉट सिमेट्रिक. ठीक है, अब ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव है आर यू श्योर? दोबारा सोचो एक बार बच्चे, ये है ट्रांजिटिव? यस यस, आपने कहा था अगर आगे वाले नहीं वैल्यू दी हुई तो हम बेसिकली बच्चे एक्स वाई है. अब देखो वाई जेड ही नहीं है तो आप एक्स जेड क्यों ढूंढोगे? ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव है. दिस इज ट्रांजिटिव, दैट्स इट. और ट्रांजिटिव है तो है, उसका कोई रीजन नहीं है, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है. दिस इज ट्रांजिटिव, दैट्स इट. बस आपको इसकी डेफिनेशन लिख देनी है बस ट्रांजिटिव की, कि ऑल कि इफ एक्स वाई वाई जेड दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड. इफ एक्स वाई वाई जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर, दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड इन द रिलेशन, सो हेंस दिस इज ट्रांजिटिव. ठीक है, उसका तो कोई रीजन नहीं हो सकता. हाँ का तो कोई रीजन हो ही नहीं सकता. ओके सर. ठीक है, बट नहीं है उसका रीजन होता है. रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है? 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. सिमेट्रिक नहीं है, क्यों? 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. इज इट ओके? तो यही क्वेश्चन अब हम दोबारा विद द रियल वैल्यू, एक्चुअल में जो वैल्यू थी एग्जाम्पल में दी उससे करते हैं. तो उसमें था एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई दोनों बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को. हाँ जी, प्रीवियस के और फिर सर इसमें एक्स वाई तो है 1,2, लेकिन वाई जेड कैसे 2,1 तो है नहीं. तो वही चीज मैं कह रहा हूँ ना बच्चे, एक्स वाई तो है, वाई जेड नहीं है, ये चीज नहीं है ना. तो आप ये चीज फाइंड आउट करने की कोशिश ही नहीं करोगे. ट्रांजिटिव की डेफिनेशन आपको याद हो कि अगर एक्स वाई है, वाई जेड भी है, तो आपको एक्स जेड ढूंढ होना चाहिए आपका. अब देखो एक्स वाई है, अगर वाई जेड ही नहीं है तो आप इसको ढूंढोगे थोड़ा ना. समझ में आई ना बात? तो इसलिए ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि कोई अगर एक्स वाई है, वाई जेड भी है, तो उसका एक्स जेड भी होगा. है मतलब? इज इट ओके? चलो आगे करते हैं मूव. तो बेसिकली इसकी रोस्टर फॉर्म अगेन बनानी है हमने. तो रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए ऑब्वियसली आप एक्स को पुट करोगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, तो ऑब्वियसली आपका वाई क्या निकल के आएगा? नॉट एक्स प्लस वाई था, 2x प्लस वाई था. ठीक है, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41. ये है 1 पुट किया तो y क्या निकल के आया आपका? 39. 39 ही आया ना? यस सर. 1,39 एक आया. ऐसे ही x इज इक्वल टू 2 पुट करना है, 2 इंटू 2 y 41, तो y आपका 37 निकल के आएगा. तो ऐसे ही बच्चे सारे निकालते जाना है. आगे आपका एक 335 आएगा, फिर आगे आपका एक 433 आएगा, आगे आपका एक 531 आएगा. ठीक है, फिर आगे एक 629 आएगा, 727 आएगा. बस ये इक्वेशन में पुट करते जाना है आपने. और बस ये याद रखना कि नेचुरल नंबर आना चाहिए भाई, तो वहां पर रोक देना जहां नेचुरल नंबर आना बंद हो जाए. 9, 23, 10, 21, 11, 19, 12, 17, 13, 19, 14, 21, 15, 23, 16, 25, 17. आई थिंक थोड़ा सा गलत हो गया. 13, 13, 11, 11, ठीक है, 9, 9, ठीक है, दिस इज 9,
दिस इज नाइन. नेक्स्ट सेवन. दिस इज सेवन. उसके बाद फाइव, थ्री और फाइनली वन. इज इट ओके? उसके बाद ऑब्वियसली 21 और माइनस वन हो जाता, और माइनस वन जो आपका डज नॉट बिलोंग्स टू एन है, इसलिए आगे कोई और पेयर नहीं आना था. तो क्या इसकी रेंज क्या आती, डोमेन क्या आती इसकी, बोलो. आर की डोमेन क्या होती? वन टू थ्री फोर फाइव अप टू 20. और रेंज क्या आती, और रेंज क्या आती? अब एक ऑर्डर में लिखो ना, 1, 3, 5, 7 सो ऑन. कब कहाँ तक है? 39 तक आ रही है. ठीक है, इज इट ओके? दो दो के गैप पे 7, 7 के बाद 9, 11, 13, 15 ऐसे चलता जाएगा. तो रेंज आ गई. अब बताओ ये रिफ्लेक्सिव होता है? रिफ्लेक्सिव, इज इट रिफ्लेक्सिव? नो. क्यों नहीं है? क्योंकि एक भी कोई रीजन दे दो. 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, या सिंपल आप लिखना चाहो तो कह सकते हो n, या x, डज नॉट बिलोंग्स टू n. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. मर्जी आपकी. ठीक है, ये r आना यहाँ पे, सॉरी r. यस. उसके बाद सिमेट्रिक है? सर नो. क्यों? एक रीजन बता दो बस. सर 39,1 नहीं है, 1,39. बिल्कुल, 1,39 belongs to R, but 39,1 does not belongs to R. Therefore, R is not symmetric. Transitive है? Transitive. ट्रांजिटिव है? बड़े ध्यान से. ट्रांजिटिव से 11, 19 और 19, 3 है. ओके, 11, 19 है. 11, 19 और 19, 3. ठीक है, और 19, 3 भी है. ठीक है, belongs to R. ये आपका x है, ये आपका y है. देखो y और z भी है. तो x और z यानी कि 11 और 3 वो नहीं है आपके R. ठीक है, ऐसे बहुत से और भी मिल जाएंगे आपको अगर ध्यान से देखो आप. जैसे कि ये देखो, 13 और 5 है, 5 और 31 है, बट 13 और 31 नहीं है. बहुत से रीजन मिल जाएंगे, कोई भी एक रीजन आपने देना है बस. नहीं का एक रीजन काफी है, क्योंकि एक भी पेयर अगर गलत हो गया तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी. इज इट ओके? किसी का कोई डाउट क्वेश्चन पूछ लो बच्चे. किसी का कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ लो. आई एम गिविंग 30 seconds. बोलो. यस, गर्ल वॉज स्पीकिंग. बच्चे अपना नाम बोलो पहले, और अपना क्वेश्चन पूछो, अपना डाउट पूछो. स्पीक अप. ओके, चलो आज यूम के अब कोई डाउट नहीं है तो हम आगे मूव करते हैं फिर. तो अब करते हैं.